हेलो। तो आज है थर्सडे और आज हम निकले हैं शॉपिंग के लिए। तो अभी फिलहाल में हम आए एक शू मॉल में, क्योंकि मुझे और मनु के पापा को भी थोड़ी सी शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह लेनी थी, और भी हमें काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। लेकिन आगे चल के मैं आपको सब एक एक करके दिखाऊंगी मैं आज क्या क्या लेती हूँ क्या क्या नहीं। तो चलती हूँ, आज का मेरा जो ब्लॉग है वो शॉपिंग ब्लॉग मेरा। तो आज ढेर सारी शॉपिंग करनी है मुझे। काफ़ी दिनों से हमारा चल रहा था कि मार्केट में जाए, लेकिन आज जो फुर्सत मिली है हमें, क्योंकि मोनालिसा और कृष्णाली वे स्कूल चली गई, तो हम जो है अभी 12 बज चुके हैं, तो हम दोनों अभी इस मार्केट में आए हुए हैं। तो चलिए, फ़िलहाल में उनके पापा जो है ऊपर जेंट्स काउंटर है, तो वहाँ पर वो अपने शूज़ वगैरह देखने को गए, और अभी मैं यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो ये पूरा लेडीज़ काउंटर है। अभी मैं यहाँ पे अपने लिए चप्पल वगैरह देख रही हूँ। मजबूत करेंगे और क्वालिटी भी अच्छी है। हम दोपहर को जो है मार्केट गए हुए थे और थोड़ा सा शॉपिंग किया। तो वहाँ से जब हम निकल रहे थे ना, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था जिसके पास ये थी ये वाली इमली, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश इमली। तो हम जब छोटे थे ना, तो जो लोग जिनका बचपन है ना विलेज में रहा हुआ होगा ना, तो उनको पता है ये वाली इमली की, उन्होंने सबने ये खाई होगी। तो ये वाली इमली बेचने वाला एक आदमी मुझे दिखा, तो मैंने उससे ख़रीद ली, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम जब छोटे थे ना, तो सब बच्चे मिलके जो है इसे तोड़ने के लिए जाया करते थे। और इसके मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाइट वाला, इसे खाया जाता है। और इसके अंदर में जो है ये ब्लैक वाली, ये जो है ये देखिए, ये होती है इसकी बीज। इसे लगाने से जो इसका पौधा आता है। और इसके बारे में बता दूँ मैं आपको कि इसका नाम जो ये इंग्लिश इमली क्यों पड़ा, क्योंकि ये वाले जो इमली है ना, तो हमारे देश में जब अंग्रेज थे तब से ये हमारे देश में इसका पेड़ जो है वो पाया जाने लगा। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो इंग्लिश इमली रखा होगा। तो आज मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा चल रहा था कि शॉपिंग करनी है, लेकिन मनु के पापा का जो है ना एक बड़ा पेमेंट जो है वो रुका हुआ था, नहीं तो हम जो है वो वैलेंटाइन डे पे वो मुझे ये ख़रीद के देने वाले थे।
तो आज उन्होंने मुझे कुछ गोल्ड का गिफ्ट किया, तो और एक हमने शूज़ वगैरह भी लिए। तो जो गोल्ड का शॉपिंग था ना, ज्वेलर्स का दुकान, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर थे, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा देर लग गई, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाए। और मनु और कृष्णाली भी जो थे वो स्कूल से आ गई थी, तो हमें जल्दी वापस आना पड़ा। तो सिर्फ हमने आज वो शूज़ चप्पल वगैरह और जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है आज वो गोल्ड का, तो ये वाला ये देखिए आप, मैंने ये पहना हुआ है, तो इन्होंने मुझे ये आज गिफ्ट किया है। उन्होंने खुद से होके आज ये गिफ्ट किया है, मैंने उनसे मांगा नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो ये है ना, वो मुझे मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे पे ही गिफ्ट करने वाला था, लेकिन मेरा पेमेंट नहीं मिला था तो मैंने नहीं लिया। तो मैंने बोला उन्हें ठीक है, देराए पर दुरुस्त आए, आपने दिया तो सही। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज उन्होंने खुद से होके ये गिफ्ट किया। वैसे तो वो हमेशा ही मुझे गिफ्ट करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आज जो है उन्होंने गोल्ड का गिफ्ट किया, तो मैं आज आपको दिख रही होंगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस आज का व्लॉग यही था मेरा, तो बस यही दिन था मेरा, बाकी कुछ नहीं, बस अपना रोज का रूटीन। तो ठीक है, मैं करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पे एंड, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और देखते रहिए इंडियन व्लॉगर दामिनी, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।